है जो मुझसे कैंडिडेट भी थे हमारी पार्टी से, अब क्योंकि इनको उस वक्त जो है हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सके थे, बड़ा रश था, मैंडेट्स का इलेक्शन का दबाव था मेरे ऊपर जम्मू कश्मीर में, और मुझे खुशी हो रही है कि आज जो है पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हम लोग इनको जम्मू कश्मीर से नॉमिनेट कर रहे हैं। डेडिकेशन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत अच्छा है, देखिए एक तो पार्टी स्ट्रांग होगी और फिर देखते हैं वर्डिक्ट क्या कैसे क्या आएगा। मैं मानता हूँ कि जेडीयू सरकार का हिस्सा होगी और जेडीयू के बगैर सरकार तो बनेगी नहीं जम्मू कश्मीर में। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं एक प्रोफेशनली बाय प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था और जम्मू साउथ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है जनता दल यूनाइटेड पार्टी की तरफ से। तो अभी मैं जीएम शाहीन जी का और नीतीश कुमार जी का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पहले तो मुझे मैंडेट दिया, अब पार्टी में मुझे राज्य स्तर की एक पोस्ट देख के स्टेट जनरल सेक्रेटरी राज्य का महासचिव बना के मुझे नवाजा है। मैं बार बार धन्यवाद करूँगा जीएम शाहीन जी का और नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी स्टेट में बड़े ऊंचे मुकाम तक जाएगी और इस पार्टी का दामन हर ब्लॉक हर जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ से लोग इस पर विश्वास करके हमारी पार्टी का दामन थामेंगे और हमारी पार्टी आने वाले समय में जो और चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देगी। पार्टिसिपेट किया है स्टेट में तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलें आई हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जनता के बीच में हम गए हैं जो हमारे मैनिफेस्टो थे। हम जनता को यकीन दिलाते हैं कि जेडीयू के माध्यम से उनके जो प्रॉब्लम्स जो ये सरकारें नहीं हल कर पाई स्टेट की, वो जेडीयू जी उनको हल करा के देंगी।